हम लोग बिहार से पूर्णिया से 5 साल से यहाँ आ रहा है, 5-6 साल से बरपेटा से इधर आते हैं हम लोग। कुछ मधुमक्खी, इटालियन मधुमक्खी है, और इसके लिए फसल के वृद्धि के लिए यहाँ पर किसान लोगों को फ़ायदा होता है, इसे मधुमक्खी को लाते हैं हम लोग। और कुछ प्रोडक्शन मधु का काम हम लोग कारोबार करते हैं, उसे थोड़ा बहुत शहद भी हो जाता है हम लोगों को। अभी कितना बॉक्स है? अभी 170 बॉक्स है। टोटल कितना बॉक्स लगाया है? तो हम लोग जो है कि 2 ग्रुप में हैं 3 ग्रुप में 100-150 करके, 110 करके बॉक्स है हम लोगों के पास। कितना प्रोडक्शन होगा? तो अभी हम लोगों के पास 110 किलो हुआ है, और थोड़ा वेदर खराब होने के कारण अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये जो रस कहाँ ले जाएगा? तो हम लोग खादी ग्राम उद्योग गुवाहाटी को देगा। मार्केट में इसका वैल्यू कितना है? मार्केट का वैल्यू तो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट नहीं आया है, इसीलिए हम लोगों का माल अभी अस्थगित है। आने के बाद तब इसका रेट खुलता है। इटालियन मधुमक्खी बोला जाता है इसको, ये जो बॉक्स में ही पाला जाता है। 4 तरह का मधुमक्खियाँ होती है, एक गाछ वाला होता है, एक छोटी वाली होती है, ये इटालियन मधुमक्खी है। एक बॉक्स में कितना लीटर मिलेगा आपको? ये मौसम के अनुसार 1 किलो से 200 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक मिल सकता है एक बार में। टोटल एक बॉक्स में कितने बार आप लोग कर? तो अभी सरसों के टाइम में चार बार या 5 बार निकाला जाता है पूरा सीजन से। टोटल लगभग कितना लीटर मिलेगा आप लोग? तो लगभग ये अंदाज, ये मौसम पर डिपेंड होता है। ये मौसम ख़राब होने पर ये हम लोगों का कोई प्रोडक्शन नहीं रहेगा। अभी मौसम ख़राब है, वेदर ख़राब है, तो यील्ड नहीं मिलेगा हम लोगों को अभी। इस लोगों ये तो पहले वाला जो था उसमें बोकस में थोड़ा बहुत जमा था, वो निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन ये कई दिन से काम नहीं करने दे रहा है। मधुमक्खी जब वेदर ख़राब होता है तो काम नहीं करने देती है।